ਤੜਗਿਆ ਰੰਗ ਕਸੂਤਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਵਣ ਲੱਗੀ, ਤੇਰਾ ਤੜਗਿਆ ਰੰਗ ਕਸੂਤਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਵਣ ਲੱਗੀ। और ये कौन सा बता रहे थे आप, ये वाला जो बिग बॉस में भी बजा था? सारी बॉडी ने किने गाया था ये? हाँ। तू छोरी बिंदास, वहाँ शुरुआत कैसे उसकी? छोरी तू से बड़ी बिंदास, छोरी तू से बड़ी बिंदास, छोरी तू से बड़ी बिंदास भी करना है। छोरी स्पेस थोड़ा कम है तो हां, मैं वही कह रहा हूं, यहां पे स्पेस कम है नहीं तो आज तो यहां डांस पार्टी शूट। आप बीगो बीगो से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगली बार स्टूडियो का सेटअप थोड़ा किया जाए, शूट आउट की डिमांड है। हां शूट आउट मेरी जान थी मिस्टर, मेरी जान थी पिस्टल पर गिरा ने हाथ शूट मन कर गिरा, मेरे दिल से खेली मर जानी सर तोड़ फोड़ के धर गिरा। हम कदे मरन बट काफी लोग बोल रहे हैं रैप रैप रैप, तो मुझे जानना है कि पहले मैं पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन। हाँ जी, उसके बाद फिर हम रैप सुनेंगे। तो ये जो रैप कल्चर है इंडिया में, आई गेस हनी सिंह से काफी फेमस हुआ, उसके पहले बोहेमिया जी थे, तो हरियाणा में मेरे को लगता है पहले बाबा सहगल है। हाँ बाबा सहगल जी भी थे, तो हरियाणा में आपने क्या सोचा और आपको आपको क्या मतलब रैप करूंगा तो लोगों को समझ आएगा कि नहीं आएगा, कैसे एक्सेप्ट करेंगे? शुरुआत में एक बार ऐसा लगा था कि कहीं ये चीज ज्यादा ओड ना हो जाए, लोग ये ना सोचे कि ये क्या किया भाई। ट्राई किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वो सक्सेसफुल हो गया। हाँ वो अच्छा लगा लोगों को, लोगों ने प्यार भी दिया। और बाकी जो जगह बनाई है रैप की वो तो मैं क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बड़े आगे लोग जो हैं बाबा सहगल हैं, बोहेमिया हैं, हनी सिंह हैं, बादशाह हैं, उन लोगों ने सबने बहुत मेहनत की है और रैप को एक जगह दी है, हर रैपर को एक जगह दी है। और बॉलीवुड की अगर बात करूं तो वहां तो ओनली ऑन वन एंड ओनली हनी सिंह ने जगह दी है हर रैपर को वहां पे जी। उससे पहले कभी इतना सबका ड्रीम ये नहीं होता था, अब सबका ड्रीम ये है कि बॉलीवुड 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 ने स्टाइल चेंज कर दिया अंग्रेज भी अफैल, यूके वाला ना भी हरियाणवी सिखा देंगे छोड़ कर, तो देखो चार दिन मारी गैल ना और कोई बैल, बस हुक्के का करेज आपा बंदे प्योर वेज रखा बंदी तब परेज, यो दिमाग को ना तेज मारा दिल को रा पेज देवा राम दूरा बेचार रैप टाइम बैरी ने गामा के यार ना पसंद करे शहरी ने घी में जो काटेगा खुशकी रा उसकी तो दीदी ने ठा लेंगे मूर्त का डालेंगे फेरे करा लेंगे उस पकवा लेंगे जीजा नतीजा कसूता से मारे तो बैर का तड़के जो हो जावे रोड़ा किसे गेला खाना नहीं खान देवा उसने दोपहर का बम तभी फाड़ू मेरे यार हरियाणवी सोपा पड़ेंगे भारी चार हरियाणवी मुक्का ना बना के हथियार हरियाणवी बहुत बुंडी मारा करे मार हरियाणवी अगला सवाल मेरा करेगा बवाल मेरे बारे में जो ख्याल से तू काट दे दिमाग ते फुकन ते पहले वा विक्रवती मरोड़ में तू पूछ ले रे जाके शमशान आई रात ते नाक तक डा दूंगा चीर मेरे वीर मेरे टैलेंट पकड़िए ना डाउट तू हो जाएगा आउट रे बंदा सु पक्कर में शो लाले टक्कर में फेर देख कौन घना घी का लशर कर में मारे गाने में काटे कमीर जमी तू तो राम रमी हरियाणा बिल्कुल पता नहीं लग रहा, मैंने कहा यार अब खत्म होगा, आप 2-2 मिनट साथ लेंगे। मैं आपको बताऊं कि काफी सिंगर्स काफी रैपर्स जो है वो आजकल टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं थोड़ा रैप फास्ट करने में या फिर एक, लेकिन मैंने पहली बार इतना अमेजिंग रैप देखा है वो भी एकदम
स्पीड में गया हुआ तो मेरा सांस चढ़ गया, मेरे को ऐसा लग रहा था भाई पता नहीं आप कब रुकेंगे। इससे इससे भी फास्ट वाला एक रैप मेरा आ रहा है, एक मूवी आ रही है बॉलीवुड की लिटिल बॉय, उसमें जो रैप किया उसकी स्पीड बहुत 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 ज्यादा स्पीड है उसकी, बहुत जल्द आ रहा है वो। ओके जी, तो गाइस देखो आपको कितनी सारी चीजें एक्सक्लूसिव चीजें यहाँ पे पता लग रही हैं कि जी एक तो आ रही है लिटिल बॉय मूवी जिनमें इनका बहुत ही अमेजिंग इससे भी फास्ट रैप है, वो तो मैं सुनना चाहूंगा। और उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा स्पेशल उस मूवी के लिए, क्योंकि आज लाइव है तो लोगों तक बात जानी भी चाहिए। जय भाई है, राजकुमार जी है, राजकुमार सिंघल जी और सिराज हेनरी जो मूवी के डायरेक्टर हैं उनको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा। बहुत अच्छी मूवी है और मुझे चांस दिया उसके लिए थैंक्स। और पहले अभी मैं थैंक्स तो सारा ही कवर कर दूं क्या, क्योंकि थैंक्स जरूरी है। उन लोगों ने जिन्होंने मुझे प्यार दिया, हमेशा सपोर्ट किया। बॉलीवुड की जो हमारी पिछली मूवी स्वीटी वेयर NRI आई थी उसमें जो हमारा सॉन्ग आया था उसके लिए जयदेव कुमार जी को थैंक्स बोलना चाहूंगा। और ऑल ओवर सब चीजों के लिए, हमारे यहाँ तक होने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा।